हमारे लाडले बहना योजने के बाद मतलब महिलाओं में बहुत बड़ा उत्साह है और ये माहौल देखने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी को मतलब सत्ता में नहीं आने देने का जो निर्णय लोगों का है और महायुति को सत्ता में लाने की भावना लोगों की है, इसलिए मतलब महायुति को कम से कम 177 सीटें मिलेगा ऐसा पूरा विश्वास है। और इस वक्त मतलब संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा, लोकसभा में संविधान बदलेगा इसी तरह की चर्चा की गई थी, आरक्षण निकाला जाएगा ये भी चर्चा की गई थी और हमारी महायुति मुसलमानों के विरोध में ये भी चर्चा की थी, इसलिए उनको उसका फायदा हुआ था। लेकिन चुनाव में पूरा महायुति को फायदा होगा और महायुति पूरी सत्ता में आ जाएगी। आने वाले 5 सालों में क्या नीति रहेगी महाविकास महायुति जो है, महायुति महाराष्ट्र के डेवलपमेंट किसान है, युवा है, महिला है, अपना बेरोजगार है और दलित है, आदिवासी है, माइनॉरिटी है, ओबीसी है, मराठा है, ब्राह्मीण है, सब लोगों को न्याय देने के लिए काम करते रहेगी। महाराष्ट्र को एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंचाएंगे कि महाराष्ट्र मतलब मुंबई हमारी राजधानी है, महाराष्ट्र को एक नंबर पर पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी और भारत सरकार से ज्यादा ज्यादा पैसा मिलेगा, इसी तरह मतलब हमें काफी सफलता मिलेगी। आप जितने राज्य से जुड़े उतने केंद्र से जुड़े हैं, तो अभी सीएम फेस कौन रहेगा? आज सीएम कौन बनेगा ये तो मतलब महायुति का नियम बनेगा और अभी कौन बनेगा ये तो फैसला चुनाव के बाद हो जाएगा, हमारी महायुति के नेता बैठकर उसका निर्णय ले लेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने 2.5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, आगे क्या होना है ये हमारे महायुति के निर्णय लेगी।